डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खुर्जा न्यू भावपुर सेक्शन में मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। 5,750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये 351 किलोमीटर लंबा सेक्शन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस सेक्शन के शुरू हो जाने से मौजूदा कानपुर दिल्ली मुख्य रेल लाइन पर परिवहन का भार तो कम होगा ही, उस पर तेज गति से रेलगाड़ियां भी दौड़ाई जा सकेंगी। अब तक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलने वाली मालगाड़ियों को नए सेक्शन पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से चलाया जा सकता है। मालगाड़ियों की गति और सुरक्षा के मद्देनजर इस सेक्शन पर पड़ने वाले 68 लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर 19 प्रमुख पुल, 414 छोटे पुल और 7 रेल फ्लाईओवर बनाए गए हैं। ये सेक्शन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों से होकर गुजरता है, लिहाजा इसके बन जाने से इस इलाके के महत्वपूर्ण उद्योगों को विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। इस सेक्शन पर न्यू भावपुर, न्यू कंचौसी, न्यू अछलदा, न्यू इकदिल, न्यू भदान, न्यू मक्खनपुर, न्यू टूंडला, न्यू हाथरस, न्यू दाऊद खान और न्यू खुर्जा स्टेशन बनाए गए हैं। इस सेक्शन पर सुरक्षा के साथ लॉन्ग हॉल और हैवी हॉल ट्रेनों को चलाने में काफी आसानी होगी। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने से देश के उद्योगों के विकास में तेजी आएगी और आर्थिक उन्नति को काफी बढ़ावा मिलेगा।